गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 18 एंड दैट इज़ ऑन वेस्ट मैनेजमेंट. सो एज ऑल ऑफ यू नो इन द प्रीवियस क्लासेस 6 वी हैव लर्न्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेस्ट. ओके, वी हैव लर्न्ड अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट, मीन्स हाउ सॉलिड वेस्ट कैन बी मैनेज्ड. Okay, so in this chapter we will learn about the wastewater and its management. Okay, so what is wastewater? So the dirty water that turns down the drains from the kitchen sinks and bathroom, that is called as the domestic sewage. ओके, मतलब घरों में हमारा जो भी किचन का जब बाथरूम का जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक सीवेज. ओके, सो फॉर डेली एक्टिविटीज़ लाइक द ब्रशिंग टीथ, टेकिंग बाथ, वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लॉथ्स, कुकिंग फूड, दे जनरेट लोड्स ऑफ द अनवांटेड वेस्ट मटीरियल एंड वाटर रिच इन लेदर, ग्रीस एंड ऑयल. So this dirty water flows into the drains, sewers and water bodies. Similarly, water containing industrial waste and chemicals, they also pollute the water bodies. Okay, so here in this table we have one activity. So here we have write the activity's name, like the brushing, bathing, shaving and waste generated, the wastewater mixed with the toothpaste. Similarly, bathing, during bathing wastewater is mixed with the soaps. Yes, during shaving wastewater is mixed with the shaving cream. Washing vegetable, the mixed with the soil or the another particles on present on the vegetables. So washing cloth, we have the water with the detergents, theek hai, and the soaps also. Okay, so these are the types of the waste that are generated by our daily activities. Okay, so next we have about the treatment of the water or the sewage treatment. Okay, so the process of removing the pollutant from the wastewater before it enter into the water body, so this is called as a treatment of water. कि इस वेस्ट वाटर को वाटर बॉडीज़ के अंदर फ्लो करने से पहले डिफरेंट केमिकल के साथ ट्रीट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट और द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर. ओके, सो हियर इज वन मोर वर्ड, व्हाट इज सीवेज. सो सीवेज इज ए वेस्ट वाटर दैट फ्लोस डाउन द ड्रेन्स ऑफ द हाउसेज, इंडस्ट्रियल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड फील्ड्स. ओके, सो द डिसॉल्व्ड एंड द सस्पेंडेड सॉलिड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सीवेज आर टू बी कॉल्ड एज अ कंटेमिनेंट. कि उसके अंदर जो वेस्ट सॉलिड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है सीवेज के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेमिनेंट्स. ओके, सो हियर वन इज देर आर सम डिफरेंट कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट इन द सीवेज, लाइक द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, पेस्टिसाइड यूज इन द क्रॉप्स, हर्बिसाइड्स यूज इन द एग्रीकल्चर एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स. इनऑर्गेनिक वेस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ द वेरियस मेटल्स एंड द नाइट्रेट एंड द फॉस्फेट्स प्रेजेंट इन द सॉइल. न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इज ए नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. बैक्टीरिया कॉजिंग द वाटर रिलेटेड डिसीजेज लाइक ई कॉलरा एंड टाइफाइड. ओके, एंड अदर माइक्रोब्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे विल कॉज डिफरेंट डिसीजेज लाइक द डिसेंट्री और अमीबा. ओके, सो दीज आर द कंटामिनेंट एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स वेयर दीज कंटामिनेंट्स आर टू बी एक्ट एंड दे अफेक्ट दैट आवर डेली लाइफ. Okay, so here one is more point, that is a do you know point. So here the realizing the urgency of the non-availability of clean drinking water to a large population of the world, the General Assembly of the United Nations declared the period 2005-15 as the international decade for the action on the water for the life. So this is during this decade the primary aim is to provide clean drinking water to the least half the number of the people who are deprived of it. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक क्या कहते हैं, उसको एक कंपेन चलाई थी. उस कंपेन के अंदर क्या था कि उन्होंने बोला था कि 2005-15 के अंदर सभी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है पीपल को. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव वन मोर पॉइंट दैट इज़ अ
नाउ विजिट ए हाउस विच इज़ बींग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाओ जहाँ पे कोई हाउस बन रहा है, सो आस्क दैट वर्कर टू टेल यू अबाउट हाउ वन सेट ऑफ द पाइप्स आर फिट टू ब्रिंग क्लीन वाटर एंड हाउ अनदर सेट ऑफ पाइप्स आर फिट टू टेक अवे द वेस्ट वाटर। तो उनसे जाके पूछो कि आपके पास साफ पानी कहाँ से आ रहा है और जो गंदा पानी है वो कहाँ पे जा रहा है, किस पाइप्स के थ्रू जा रहा है। सो यू विल ऑब्जर्व द नेटवर्क ऑफ द पाइप्स देयर, ओके। सो द नेटवर्क ऑफ द पाइप इज टू बी कॉल्ड एज द सीवर्स। नाउ दिस सीवर्स दे विल फॉर्म द सीवरेजेस। सो थ्रू दिस सीवरेज द सीवेज कैरिड फ्रॉम वन पॉइंट टू ओरिजिन पॉइंट, सो दैट इज़ अ ट्रीटमेंट प्लांट। एंड द डोमेस्टिक सीवेज फ्लोज थ्रू कास्ट आयरन और पी वी सी पाइप्स विच आर कनेक्टेड टू द सीवर मेन्स। सो फ्रॉम द सीवर मेन्स इट इज़ टेकन टू द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओके। सो दिस इज होल द प्रोसेस दैट हैज़ बीन अकरिंग इन द कंस्ट्रक्शन साइट्स। Now in the back lanes of the houses and on the roads, manholes are located in the sewerages at a distance of every 50 to 60 meter. जैसे हमने गलियों में भी स्ट्रीट्स में भी हमने देखा है कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर वो चैम्बर्स बने होते हैं सीवरेज के लिए, ठीक है, मैनहोल्स बोलते हैं उसको। तो उसका फंक्शन क्या होता है, दे आर बिल्ट एट ए जंक्शन ऑफ द टू और मोर सीवरेज एट ए पॉइंट वेयर देर इज़ ए चेंज इन द डायरेक्शन। जहाँ पे भी वाटर फ्लो की डायरेक्शन चेंज करनी होती है वहाँ पे वो सीवरेज चैम्बर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। नाउ इन प्लेस लाइक दिस स्लम्स देयर मे नॉट बी अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू डिस्पोज सीवेज। सो इन सच केस सीवेज गेट कलेक्टेड इन द पिट्स एंड डिप्रेशंस एंड स्टैग्नेट्स। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सीवेज को वो सीवरेज टैंक जो बनाए होते हैं उसके अंदर उसको स्टोर करके रखते हैं। सो सच प्लेसेज आर ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर द फ्लाइज। तो जहाँ पे ये बने होते हैं चैम्बर्स वगैरह, अगर वो ओपन हो तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लाइज, मॉस्किटोज। सो उसकी वजह से कौन सी डिसीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, लाइक मलेरिया, डेंगू एट्सेट्रा। सो वट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दिस अनट्रीटेड वाटर और द अनट्रीटेड सीवेज। अगर वो सीवेज वैसे का वैसा ही पड़ा है, उसको हमने ट्रीट नहीं किया, तो उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, अनट्रीटेड सीवेज इज ए मेजर सोर्स ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड सर्फेस वाटर पोल्यूशन, मेन फर्स्ट इफेक्टेड टू वाटर पोल्यूशन। सेकेंड, स्टेग्नेट वाटर। स्टेग्नेट वाटर इन द स्टैंडिंग वाटर मीन्स दैट वाटर विच इज़ इन स्टैंडिंग स्टेट दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेग्नेट वाटर। दैट फॉर्म लीकिंग सीवेज पाइप समटाइम एंटर्स द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स एंड पल्यूट। समटाइम आपने देखा होगा कि जो वाटर वर्क से टैप में पानी आ रहा था तो वो गंदा पानी आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो सीवेज के जो पाइप्स है और वाटर वर्क की जो पाइप है वो दोनों कई बार ब्रेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से दोनों का वाटर मिक्सअप हो जाता है, जिसके कारण घरों में भी वो गंदा पानी आना स्टार्ट हो जाता है, ओके। सो दिस इज़ द मैन होल दैट हैव बीन सीन इन दिस डायग्राम, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़, इट एक्ट इज़ ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर वेरियस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। ये पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट है, सोप्स एंड डिटर्जेंट दे कंटेन फॉस्फेट। सो वेन वेस्ट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट रिलीज इन टू द रिवर एंड पॉन्ड्स दे विल फेवर द एल्गी ग्रोथ। तो आपने देखा होगा कि वाटर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। वो ग्रीन कलर की लेयर, जैसे ये देखो डायग्राम के अंदर शो की हुई है, यूट्रोफिकेशन लेक, ओके। व्हाई इट इज़ नॉन एज अ यूट्रोफिक लेक, बिकॉज दैट प्रोसेस इज टू बी कॉल्ड एज अ यूट्रोफिकेशन इन विच ग्रीन एल्गी इज कवर्ड बाय द अपर लेयर ऑफ द वाटर, ओके। दैट्स वाई द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द इनर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज डिफिकल्ट, सो दे कैन बी डाई। सो दिस प्रोसेस इज टू बी कॉल्ड एज द यूट्रोफिकेशन प्रोसेस। क्लियर, कि अगर वो एल्गी की लेयर को हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम पूरे वाटर के सरफेस के ऊपर इस टाइप से कवर कर दे वाटर को, तो वाटर के नीचे ऑक्सीजन है वो एक्वाटिक एनिमल्स तक नहीं पहुँचेगी और वो किल हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट वी हैव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सो द क्लीन वाटर दैट कैन बी कंज्यूम्ड दैट इज़ कॉल्ड एज अ पोर्टेबल वाटर। सो पोर्टेबल वाटर को किस टाइप से बनाते हैं, उसके लिए ये सारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। सो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग contaminant from the wastewater. So it include the removal of the physical, chemical and biological contaminant by using physical, chemical and biological processes.
तीन तरह के कंटेमिनेंट है, तीन तरह की प्रोसेसेस हैं उनको रिमूव करने के लिए. सो आफ्टर द ट्रीटमेंट द सॉलिड पार्ट ऑफ द सीवेज कैन बी यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर फॉर द क्रॉप्स. आफ्टर ट्रीटमेंट जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको हम एज ए फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में. ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप द होल प्रोसेस ऑफ दिस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. सो फर्स्ट स्टेप दैट इज ऑफ वेस्ट वाटर इज फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ड थ्रू द स्क्रीन्स. सो दिस रिमूव्स द लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक दी स्ट्रेक्स कैंस प्लास्टिक पैकेट्स. तो यहाँ पे जो लार्ज सबस्टांस है उसको रिमूव किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वेस्ट वाटर इज देन पास्ड टू द ग्राइंडर्स वेयर सॉलिड वेस्ट इज रिड्यूस्ड इन साइज दैट इट डजंट क्लॉग अप द प्लांट. ठीक है, यहाँ पे उसको ब्रेक किया जाता है लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल के अंदर. थर्ड है वेस्ट वाटर इज देन अलाउड टू एंटर ए ग्रिट एंड दिस सैंड रिमूवल टैंक वेयर द स्पीड ऑफ वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड इन ऑर्डर टू अलाउ सैंड एंड ग्रिट एंड पैबल्स टू सेटल डाउन. यहाँ पे जो भी ग्रिट है जो सैंड है जो पैबल्स हैं वो सारे सेटल डाउन हो जाते हैं यहाँ पे. ठीक है, रिमूवल टैंक के अंदर. नेक्स्ट जो बचता है वो आगे चलता है वाटर क्लैरिफायर में. सो वाटर क्लैरिफायर में क्या होता है, टैंक इज स्लोप्ड टुवर्ड्स द मिडल टू अलाउ ऑर्गेनिक मटीरियल लाइक द फेसेस टू सेटल एट इट्स बॉटम एंड द स्लज इज रिमूव्ड विद द स्क्रैपर्स. हियर फ्लोटेबल सॉलिड लाइक ऑयल एंड ग्रीस आर ऑल्सो रिमूव्ड विद द स्कीमर एंड द क्लियर वाटर इज ऑब्टेन इज कॉल्ड एज अ क्लैरिफाइड वाटर. क्लैरिफाइड वाटर में हमने क्या किया कि जो उसके अंदर ऑयल और ग्रीस लाइक सबस्टांस थे उसको रिमूव किया जाता है. सबसे पहले हमने जो लार्ज पार्टिकल थे पैकेट वगैरह उसको रिमूव किया, फिर उसको स्मॉल पार्टिकल के अंदर रिड्यूस किया, फिर पैबल वगैरह रिमूव किया, अब जो ऑयल ग्रोस की ग्रीस की कोई इम्प्योरिटी थी उसको रिमूव किया. अब जो बाकी बचा उसको हम ऐड करते हैं डाइजेस्टर टैंक में, डाइजेस्टर टैंक में. तो इसके अंदर क्या करते हैं उसके जो भी बचा मटेरियल है उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं. तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं सारे वेस्ट मटीरियल को खा जाते हैं क्योंकि वो सारा मटेरियल जो बचा है वो बायोडिग्रेडेबल है. सो इसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करेंगे तो वो सारा मटेरियल वहाँ से रिमूव कर देंगे. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज टू बी कॉल्ड एज अ डाइजेशन प्रोसेस एंड द बायोगैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विच इज़ यूज एज ए फ्यूल. अब जब बैक्टीरिया एक्ट करेंगे तो जब बायोगैस प्रोड्यूस होगी दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. एंड द लास्ट पॉइंट एयर इज देन पम्प्ड थ्रू द क्लैरिफाइड वाटर. नाउ बैक्टीरिया ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड कंज्यूम द रिमेनिंग वेस्ट. ओके, आफ्टर दैट एयर इज देन पम्प्ड थ्रू द क्लैरिफाइड वाटर वेयर द बैक्टीरिया ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड कंज्यूम द रिमेनिंग वेस्ट. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट फॉर सेवरल आवर्स एंड द सस्पेंडेड माइक्रोब्स दैट सेटल आउट बॉटम ऑफ द टैंक आर देन एक्टिवेटेड स्लज. सो अबाउट 97% ऑफ द स्लज इज वाटर एंड द वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय द सैंड ड्राइंग बैड्स और मशीन्स. So the sludge is then dried and then used as a manure. Okay. So before water is released into the distribution system, it is disinfected with the chemicals like the chlorine and the ozone. मतलब सब कुछ होने के बाद भी उसको क्लोरीन और ओजोन में से पास किया जाता है ताकि उसमें से जो बैक्टीरिया कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं वो सारे किल हो जाएँ. ओके, so next we have this whole process for the water treatment. So in this diagram you will see first of all there is a primary treatment and here we have a secondary treatment. So in the primary treatment first of all there is a raw sewage that is first of all screened, then it is grinded, then it is passed to the grit chamber, after that primary clarifier, from it is enter into the aeration tank where air is to be passed, after that into the secondary clarifier. So in the secondary clarifier they are further treated with the this disinfected tank. So after this we have secondary effluent means जो unwanted waste material that is further recycled. मतलब जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसको after sludge waste material नीचे निकल जाएगा और जो बाकी थोड़ा बहुत रह जाता है उसको दोबारा फिर टैंक एरिएशन टैंक में पास जाके दोबारा फिर जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहती है. ठीक है, और जहाँ पे जो हमें वाटर मिलेगा दैट इज़ द डिस्चार्ज सर्फेस वाटर और द टर्शियरी ट्रीटमेंट वाटर. ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस फॉर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. सो नेक्स्ट वी हैव बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस.
So we should be responsible for the citizen and take every step to dispose the waste properly. So few ways are, first, food, especially Indian food, contain lots of the fats and oils. So the food item that shouldn't be thrown down the drain, because they can shock the pipes even when they are hardened. ठीक है, मतलब जो भी फूड मटेरियल आप फैट और ऑयल से मिलके खा रहे हो, वो सारा पाइप्स के अंदर जाके क्या हो जाता है, चॉक हो जाता है, उसको ब्लॉक कर देता है पाइप्स को. तो हमें इस टाइप से ऐसे नहीं करना चाहिए. ओके, सो द सच वेस्ट दैट शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन ओनली, नॉट इन द डायरेक्ट पाइप्स. सेकेंड पॉइंट, सॉलिड वेस्ट सच एज द टी लीव्स, फूड रिमेन्स, प्लास्टिक बैग, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स, दैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द स्ट्रीम. तो इनको भी डायरेक्ट ड्रेन्स के अंदर, सीवरेज के अंदर नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज दे विल ब्लॉक द ड्रेन्स एंड रिड्यूस द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ द डिग्रेडेशन ऑल्सो. ओके, लास्ट, वेरियस केमिकल प्रोडक्ट लाइक द मेडिसन, मोटर ऑयल, पेंट, ग्रीस, मशीन ऑयल, इंसेक्टिसाइड दैट मे किल वाटर प्योरीफाइंग एंड डिग्रेडेशन प्रोसेस, सो दैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन. ओके, सो लास्ट पॉइंट दैट इज़ अ सैनिटेशन एंड सीवेज डिस्पोजल. सो इन इंडिया अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द पीपल डू नॉट हैव प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, सो दे डिफेक्ट्स इन द ओपन फील्ड एंड ऑन ड्राई रिवर बेड्स नियर द रेलवे ट्रैक्स और इवन डायरेक्टली इन द वाटर ऑल्सो. सो दैट शुड नॉट बी लाइक दैट. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न द पुअर सैनिटेशन, अनट्रीटेड एक्सक्रीटा एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर. So they cause a large number of waterborne diseases like the typhoid, cholera, hepatitis, polio, dysentery and meningitis. Okay, so at places where there is no sewage system, low cost on site sewage disposal systems such as the septic tanks, chemical toilets and composite food that should be encouraged. Okay, so septic tanks that could be built for the hospitals, for the groups of 4 to 5 houses and other such isolated buildings. Using on a site human waste disposal technology, excreta from the toilet seats can directly be sent to the biogas plant through the covered drains, and the biogas so produced that can be used as a source of energy. Okay, and at public place like the terminals, railway station, airports, hospitals, markets, large amount of waste is generated daily, so we should not flow them anywhere in the public place. Okay, so by this way we can sanitize our disposal. So last we have the waste must be disposed of properly. If there is no dustbin nearby, then do not throw waste on the roadsides. Carry it with you and throw it in the dustbin only. Okay, so keep your home, school neat and clean. So adopt a good sanitation practices and encourage your friends and classmates to do the same. Okay, so this is all about our chapter of the wastewater treatment. Okay, now our chapter has been completed. So here we have some book work related to this chapter. So after watching the video, you will try to do this book work by yourselves. Okay, so thank you so much for watching my video. Thank you.